आज के समय में जहां छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़ा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा गांव है जो इलाके के शांतिप्रिय लोगों के लिए नजीर है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि बिहार के जहानाबाद में एक ऐसा भी गांव है जहां लोग आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। जिले के घोसी प्रखंड का गौताल बिघा गांव में आजादी के बाद आपसी विवाद को लेकर आज तक कोई भी थाना नहीं गया। गांव में कोई भी व्यक्ति आपसी लड़ाई करता है तो थाना में कोई FIR दर्ज नहीं करता है। यहां विवाद होने पर आपस में ही गांव के बुजुर्ग झगड़े को निपटा देते हैं। तकरीबन 120 घरों की आबादी वाला यह गांव इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल है। घोसी प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव आज के जमाने से एकदम ही अलग और अनूठा है। गांव में आज तक कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं हुआ जिसे सुलझाने के लिए थाना या कोर्ट कचहरी जाने की नौबत आए। इस गांव में विशेषता है कि गांव में आज तक आजादी से कभी कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है, न कोर्ट कचहरी कोई गया है न कोई देखा है कोर्ट कचहरी। हल्का फल्का बात विवाद होता है तो हम लोग आपस में बूढ़े बुजुर्ग मिल करके उसे सुलह कर लेते हैं। कोई थाने तक कभी नहीं? नहीं, अभी तक कोई थाने तक नहीं गया आजादी से, इधर किसी तरह का मामला नहीं। झगड़ा झंझट होता है या नहीं? हल्का फल्का हुआ ना, तारी मनी हुआ, वही भूमि विवाद ना होता है, हंसी मजाक में कोई कर लिया या जनानी लोग आपस में लड़ जाती है सासपुतों में, विशेषता में यहाँ झगड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन थाने नहीं जाते? ना, थाने नहीं गए हैं कभी, पूर्वजी नहीं गया हम लोग का। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि आपसे भाईचारा है, हम लोग एक जगह सब मिलजुल के रहते हैं। खूबसूरती यही है कि हम लोग अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, झगड़ा बिल्कुल नहीं है। और यही विशेषता है कि लेकिन हम लोग यहाँ 500 आबादी है, लेकिन सरकारी जो योजना है उससे हम लोग सब वंचित है। आज तक सड़क नहीं बन पाई, स्कूल नहीं बन पाई है। इधर जिले के DM रिंची पांडे ने बताया कि यह किसी भी गांव के लिए बेहद ही अच्छी परंपरा है। अन्य गांव के लोगों को भी इसी तरह विवाद को आपस में सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात हमारे संज्ञान में आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि घोसी प्रखंड में एक गांव है जहां पे अभी तक आज़ादी के बाद से कोई भी व्यक्ति थाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सामाजिक स्तर से ही उन्होंने सारे परिवादों का और आपसी जितने विवाद हैं उसका निष्पादन किया है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और मैं चाहूँगा इसी को उदाहरण स्वरूप हम लोग जितने भी हमारे गांव पंचायत हैं हर जगह, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हर सप्ताह शनिवार को थाना स्तर पर बैठक भी होती है जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी रहते हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर, चाहे वो हमारा ग्राम कचहरी हो, चाहे थाना स्तर पर, या जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर मिलकर अगर वो लोग आपसी विवाद को सुलझाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल इस गांव की खूब तारीफ हो रही है कि जहां छोटी छोटी बातों में लोग खून की होली खेलने लगते हैं, इस गांव की परंपरा एक मिसाल बनकर लोगों को अमन चैन का पैगाम दे रही है।